हेलो दोस्तों, मैं अंकुर भारती, डायनेमिक डीपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पुराने टीवी को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कैसे ऑपरेट कर पाओगे। अभी का टीवी आता है गूगल टीवी, एंड्रॉयड टीवी, तो आप उसमें इजीली कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन पुराने टीवी में ये फीचर्स नहीं दिया हुआ रहता। तो मात्र एक डिवाइस की मदद से आप वो पुराने टीवी में भी कर पाओगे, अपने फोन से टीवी को चला पाओगे। तो वो डिवाइस का नाम है एनीकास्ट। इसके मदद से आप पुराने टीवी में कनेक्ट करके टीवी देख सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ दो केबल मिलता है, जो एक है पावर के लिए, ये पावर सप्लाई के लिए है, और ये वाईफाई। जैसे सिंपली ये वाईफाई एक्टिव कर देता है इसको। आप जो फोन में ऑप्शन आता है कास्ट करके, तो आप उसकी मदद से इसको टीवी को कनेक्ट करके रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये छोटा सा टीवी, ये पुराना टीवी है मेरे पास। इसमें फीचर्स नहीं दिया हुआ था गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी का, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे ताकि आपका फोन से कनेक्ट हो पाएगा। तो फर्स्ट मैं इसको टर्न कर लेता हूँ। ये एनीकास्ट एक डिवाइस आता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है एलईडी लाइट, और यहाँ पे केबल लगाने का है, जैसे कि इससे सप्लाई इसमें आ जाए। इसको फर्स्ट सप्लाई चाहिए, तभी ये ऑपरेट हो सकता है। और ये बटन है, ये आपका मोड चेंज करने का काम में आता है। तो आप लोगों को मैं इसका यूज़ करके दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे इसका यूज़ करना है बटन का। तो आप ऐसे सिंपली यहाँ पे जैसे चार्जर लगता है वैसे आप लगा देना, और ये जो है ये सप्लाई में जाएगा। और ये HDMI केबल है, उसी के जगह पे मैं इसको सेट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो HDMI इन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहीं पे इंसर्ट करूंगा। और यहाँ पे USB केबल दिया हुआ है। अगर आपके टीवी में USB केबल का ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी चार्जर में लगा सकते हो, सिंपली इसको सप्लाई चाहिए। फर्स्ट मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, HDMI इन पे कनेक्ट करना है एनीकास्ट को, और जो USB केबल है उसको आप इसके बगल में USB ऑप्शन के पास आप इंसर्ट कर देना। अगर आपके टीवी में USB का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली चार्जर से भी इसको सप्लाई दे सकते हो, क्योंकि ये USB का काम होता है सप्लाई देना। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ, और आप ये देख सकते हो वाईफाई, ये वाईफाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये वाईफाई एक्टिव कर देता है। मेन सप्लाई दे देता हूँ टीवी में, इसको ऑन कर दिया, पावर बटन प्रेस करना है ताकि टीवी ऑन हो जाए। टीवी ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन आता है फोन 2.4 GHz का एनीकास्ट है उसका ऑप्शन है, फिर वाईफाई। तो ये सिंपली वाईफाई से कनेक्ट होता है, उसके बाद ही ये ऑपरेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एयर प्ले मोड में है। अगर आपको आईफोन से कनेक्ट करना है तो ये ऑप्शन रहता है, और अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये मोड चेंज करने के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को इसके पहले दिखाया था एनीकास्ट में एक बटन था, उसको प्रेस करना है ताकि आप मोड चेंज कर पाओ। तो मैं पीछे से इसका मोड चेंज कर देता हूँ, एक क्लिक करना है दूसरे मोड में चला जाएगा। तो अभी ये एक्टिव हो चुका है। फोन से आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। वाईफाई ऑन करना है, जैसा कि आप दूसरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे आ जाता है एनीकास्ट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं पहले भी कनेक्ट करके रखा था, इसीलिए मेरे को पासवर्ड नहीं मांग रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो पिन यहाँ पे है, वही पिन को यहाँ पे पासवर्ड में डाल देना है ताकि आपका फोन से कनेक्ट हो जाए। एनीकास्ट में जाऊंगा, स्क्रीन कास्ट में, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन कास्ट एनीकास्ट का ऑप्शन आ जाता है। ये डिवाइस का नाम नंबर बता रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एनीकास्ट का जो नंबर है सेम नंबर यहाँ पे भी शो करता है। आप देख सकते हो अब ये डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट हो चुका है, और जो मेरे फोन के स्क्रीन में चल रहा है वही आपको टीवी में भी देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ प्ले करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको कोई चीज भी चलाना है तो आप ऐसे अपने फोन में जो चीज प्ले करके रखोगे वो टीवी में भी चल जाएगा। जैसे कि कोई मूवी देखना है या फिर कुछ भी सीरियल वगैरह देखना है, तो आप एनीकास्ट की मदद से आप अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करके देख सकते हो। तो आपने देखा कितना सिंपल होता है एनीकास्ट को ऑपरेट करना। तो आपको मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना कि जो ये मोड है
वो आप एनी कास्ट से जरूर चेंज कर लेना, अदरवाइज आप कितना भी कोशिश कर लोगे ये कनेक्ट होगा ही नहीं आपके फ़ोन से। और जब भी आप कनेक्ट करोगे उस टाइम वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे स्क्रीन पे वाईफाई का पासवर्ड आ जाता है। ये पासवर्ड है, ये मॉडल नंबर है एनी कास्ट का। और यहाँ पे आपको स्टेप दिखता है कि क्या क्या स्टेप है, फर्स्ट फ़ोन, फिर एनी कास्ट, फिर वाईफाई। अगर आपको ये स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, टीवी के स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, रिमोट में जाना तो आप सिंपली सोर्स को क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल बता देगा आपका कि कौन सा इसका डिवाइस है एनी कास्ट का और पासवर्ड क्या है। इसके मदद से फिर आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने टीवी का मजा ले सकते हो। तो अगर आपका पुराना टीवी भी है फिर भी आप इसको ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।